वेलकम टू डिज़ाइन प्लस। डिज़ाइन प्लस में आपका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। हेलो दोस्तों, आज हम एक बुक मॉकअप डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए हमने एक इमेज डाउनलोड की है गूगल से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम एक राइट एंगल क्रिएट कर लेते हैं। इतना हो जाने के बाद इस राइट एंगल में हम एक काउंटर लगाएंगे आउटसाइड। फिर लेंगे 3 पॉइंट कर्व और इस नोड से इसके एजिस तक एक लाइन ड्रॉ करके एक कर्व क्रिएट कर लेंगे। इसी तरह इधर भी एक कर्व क्रिएट कर लेंगे। और एक कर्व हम इधर लगाने वाले हैं, तो आइए हम लगा लेते हैं। फिर लेंगे हम फ्री हैंड टूल्स, तो इस नोड से कंट्रोल के साथ ड्रैग करके एक लाइन क्रिएट करेंगे। इस लाइन को हम ऊपर की ओर ड्रैग कर लेते हैं और एक लाइन हम इधर क्रिएट कर लेते हैं। फिर इसकी डुप्लीकेट क्रिएट करेंगे राइट क्लिक करके और इधर लाके प्लेस कर लेंगे और एक लाइन इस कॉर्नर से इस वाले कॉर्नर तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इसकी एक डुप्लीकेट क्रिएट करेंगे राइट क्लिक करके और इसकी भी डुप्लीकेट क्रिएट कर लेते हैं। फिर एक लाइन ड्रॉ इधर कर लेते हैं। और इसको मजीद सेटिंग करेंगे और इसका कर्व सेट कर लेते हैं। इसको नीचे की ओर से पकड़ के इस लाइन को मिला लेते हैं, बाद में इसको सेट कर लेंगे। सबको एक साथ सिलेक्ट करके ग्रुप करेंगे और स्मार्ट फिल से हम सब में कलर फिल कर लेते हैं। इसको करेंगे हम डिलीट, इसको भी डिलीट कर लेते हैं। फिर एक लाइन लगाएंगे हम इधर की ओर। इसमें स्मार्ट फिल से फिल करेंगे, बाद में लाइन को करेंगे डिलीट। इसको और इसको दोनों को वेल्ड करेंगे। आई ड्रॉपर टूल से ये कलर पिक करके इसमें फिल करेंगे ये कलर और इसमें भी ये कलर फिल करेंगे। बाद में शिफ्ट के साथ ये कलर पिक करके इसमें फिल करेंगे, इसमें और इसमें फिल करेंगे, बाद में इसमें भी ये कलर फिल कर लेते हैं। इस पॉइंट को पकड़ के इसके साथ मिला लेते हैं। सबकी आउटलाइन नन करेंगे। दो लाइन की थिकनेस करेंगे हम 0.50 mm
फिर इसको करेंगे हम बिट मैप 300 dpi। इसी तरह इसको भी बिट मैप कर लेते हैं। दोनों को सिलेक्ट करेंगे, फिर ब्लर करेंगे गॉशियन ब्लर 7 pixels। इसको राइट क्लिक करके पावर क्लिक इनसाइड इसके अंदर करेंगे और इसको राइट क्लिक करके पावर क्लिक इनसाइड इसके अंदर कर लेते हैं। बाद में इसको सेटिंग कर लेंगे। इसको हम ऊपर की ओर ट्रैक करके सेटिंग करेंगे, फिर इसकी एक डुप्लीकेट नीचे की ओर क्रिएट करेंगे। इसमें हम 20% ब्लैक अप्लाई करेंगे। इतना हो जाने के बाद टेक्स को हम इधर लाएंगे, पेज अप करके एक लाइन इधर ड्रॉ करेंगे। इसको भी 0.50 करेंगे, फिर करेंगे बिट मैप 7 pixels। इसकी एक डुप्लीकेट क्रिएट करेंगे और इसको पावर क्लिक इनसाइड इसके अंदर कर लेंगे। इसको मजीद सेटिंग करेंगे। फिर इसको सेटिंग करके इसकी दो और डुप्लीकेट क्रिएट करेंगे प्लस बटन प्रेस करके। तो हम डुप्लीकेट करते हैं, इसको पावर क्लिक इनसाइड करेंगे इस वाले पोर्शन में, फिर इसको पावर क्लिक करेंगे हम इस वाले पोर्शन में और इसको पावर क्लिक कर लेंगे हम इस वाले पोर्शन में। टेक्स्ट को हम करेंगे छोटा और इसके साथ सेंटर अलाइन करेंगे। बाद में छोटा करेंगे शिफ्ट के साथ। इसकी एक डुप्लीकेट क्रिएट करेंगे और इसमें हम स्पेसिंग बढ़ा लेते हैं। और इसके साथ सेंटर अलाइन करेंगे। फिर इसको डबल क्लिक करेंगे, कंट्रोल के साथ रोटेट कर लेंगे। इसमें हम वाइट कलर अप्लाई करेंगे और इसके साथ सेंटर अलाइन कर लेते हैं। इस वाले टेक्स्ट को हम इसके अंदर प्लेस करेंगे, फिर इंक्रीज करेंगे और इसके साथ सेंटर करेंगे। इतना हो जाने के बाद इसकी एक डुप्लीकेट क्रिएट करेंगे और इसको पावर क्लिक इनसाइड इस वाले पोजीशन में कर लेते हैं और इसको कलर ये वाला हम फिल करेंगे। फिर इसको भी पावर क्लिक इनसाइड इसमें करेंगे। इमेज को पावर क्लिक इनसाइड इस वाले पोजीशन में कर लेते हैं। फिर इमेज को हम करेंगे छोटा, इमेज छोटी कर लेने के बाद इसको सेटिंग करेंगे
और फिर करेंगे पिट डाउन। सबको करेंगे हम ग्रुप कंट्रोल प्लस जी करके, इसकी एक डुप्लीकेट क्रिएट करेंगे हम, राइट क्लिक करके और पेट डाउन कर लेते हैं। फिर करेंगे इसको रोटेड, इसको हम पहले नीचे की ओर ड्रैग करेंगे, बाद में इसमें ड्रॉप शैडो अप्लाई कर लेते हैं। इसी तरह हम इसमें भी ड्रॉप शैडो अप्लाई कर लेंगे। तो दोस्तों हमारी डिज़ाइन ऑलमोस्ट तैयार हो गई। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।